नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सितारगंज टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं देहरादून में कैंट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हरबंस कपूर का जो हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया। राजधानी के इंदिरा नगर आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक संपन्न परिवार को सांत्वना दी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, हरबंस कपूर मैदान से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक विकास में हमेशा सहयोग देते रहे हैं। पार्टी के संगठन लिए भी उन्होंने बेहद बेहतर काम किए हैं और 8 बार विधायक चुने गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने संसदीय मर्यादाओं के तहत काम किया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। कहा कि हरबंस कपूर कभी किसी को नाराज नहीं करते थे, सबके सुख दुख में वे हमेशा काम करते थे। कपूर साहब से मेरा जो बहुत नज़दीक का संबंध रहा है, 1985 में मैं संघ के प्रचारक के नाते देहरादून में आया था और उसके बाद लगातार हमारा संपर्क रहा है। कबीर साहब बहुत जमीन से जुड़े हुए लोगों के थे और यही परिणाम रहा कि जब वो 89 में पहली बार विधायक बने, उससे पहला चुनाव तब तक उन्होंने सर्वाधिक मतों से उन्होंने मत प्राप्त किए थे उन्होंने देहरादून में जब पहली बार भाजपा से लड़े थे। और 1989 के बाद 4 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में और 4 बार उत्तराखंड विधानसभा में उन्होंने देहरादून का प्रतिनिधित्व किया। रिस्पना और बिंदाल पर जितने पुल बने हैं, एकाध पुल को छोड़ दिया जाए तो सब कपूर साहब के प्रयासों से बने हैं। देखिए, पूरे राज्य की राजनीति के लिए बहुत बड़ा झटका है। हरबंस कपूर साहब पिछले 3.5 दशक से देहरादून और राज्य की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति रहे। राज्य बनने से पहले 1989 से लेकर के और राज्य बनने तक वो विधानसभा के उत्तर प्रदेश की सदस्य रहे, मंत्री रहे। राज्य बनने के बाद अंतरिम सरकार में वो मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे। उसके बाद से लगातार 4 बार वो विधायक रहे। सबसे बड़ा जो उनका व्यक्तित्व का जादू था वो ये था कि वो एक आज़ाद शत्रु थे। कोई उनके हम उनके खिलाफ़ चुनाव लड़े, लेकिन हमेशा उनसे 2 दिन पहले ही एक RSS के कार्यकर्ता बलराम नामदेव जी का उनके मृत्यु की शांति सभा थी, उसमें मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। हमेशा जिस प्रकार से वो लोगों से मिलते थे, जिस प्रकार से बात करते थे, देहरादून के जनता में मैं समझता हूँ उनसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता कोई नहीं रहा।